हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक्सिस बैंक में अपने घर बैठे मोबाइल के अंदर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर आप अपने घर बैठे एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। कैसे? तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और हर स्टेप समझेंगे तो आप आराम से घर बैठे एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रोसेस है, वो आपको देखना है। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस है, इसके लिए आपको कोई भी ब्राउज़र आपके पास है तो आप अपने ब्राउज़र से आराम से, मान के चलो आपके पास यूसी है या तो ओपेरा है या तो क्रोम है, तो ये तीनों में कोई भी होगा तो फ्रेंड्स आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ क्रोम ब्राउज़र, आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्रोम पे क्लिक करके क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक नया टैब पे, यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन आपको नजर आएगा, तो फ्रेंड्स आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे फ्रेंड्स आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा। आपको यहाँ पर टाइप करना है एक्सिस बैंक। आप एक्सिस बैंक टाइप करेंगे तो आपके सामने आएगा, तो आपको एक्सिस बैंक पे क्लिक करना है। देखिए, एक्सिस बैंक का ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू आपको अकाउंट ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे फ्रेंड्स आप इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से शो करेगा, आपको यहाँ पर अलाउ करना है। यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आपको आपके सामने इस तरह से नजर आएगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर और भी एक ऑप्शन लिखा है ओपन डिजिटल अकाउंट, तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर डिजिटल सेविंग अकाउंट करके है तो वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर डिजिटल सेविंग अकाउंट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करते हैं तो नीचे भी शो करेगा एसी एक्सेस सेविंग अकाउंट, तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं या तो आप यहाँ पर। तो देखिए, अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। ये दोनों चीज़ है आपके पास तो आप घर बैठे ओपन कर सकते हैं एक्सिस में अकाउंट्स। तो यहाँ पर शो कर रहा है गेट द एक्सिस ASAP डिजिटल अकाउंट विथ वीडियो KYC। तो चार स्टेप है वीडियो KYC के साथ आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैं ओपन पे क्लिक करूंगा। जैसे फ्रेंड्स आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर लिख के आ रहा है प्लीज नॉट वीडियो KYC इनवॉल्व ओरिजिनल पैन कार्ड रिक्वायर, तो आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद मैं करता हूँ कंटिन्यू। जैसे फ्रेंड्स आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर कुछ फॉर्म फिलअप करने के लिए बोलेगा, तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर और आपका जो मोबाइल नंबर है, उसके बाद आपको यहाँ पर कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन, वो आपको एक्सेस करना है। तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको बॉक्स में राइट करना है, बाद में आपको प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आधार कार्ड को कंसेंट है तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको एग्री करना है। जैसे फ्रेंड्स आप एग्री करेंगे तो आपको UDI की तरफ से, जो आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहाँ से आपको एक OTP आएगा 6 डिजिट का, वो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर लिख के आ रहा है एन OTP हैज़ बीन सेंट योर आधार कार्ड लिंक एंड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर जो मैंने मोबाइल नंबर टाइप किया वही नंबर पे OTP आएगा। तो यहाँ पर जो 6 डिजिट का OTP आएगा कुछ समय के बाद, तो यहाँ पर हमें टाइप कर लेना है। आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से मुझे यहाँ पर OTP मिल चुका है, तो यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया है। हमें करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कंफर्म OTP, तो यहाँ पर मैं कंफर्म OTP कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको इस तरह से कंफर्म OTP करेंगे, यहाँ पर लिख के आ रहा है योर OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट, तो यहाँ पर अवेट वेरिफिकेशन स्टेटस शो कर रहा है, तो यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर 50% शो कर रहा है तो अवेट करना है। ओके, यहाँ पर जो एक्सिस बैंक की तरफ से मुझे मैसेज भी आ चुका है, 90% हो गया है वेट वेरिफिकेशन स्टेटस। यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गया जो मेरा आधार कार्ड, या तो आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए SMS सेंड, रिज्यूम योर एप्लीकेशन SMS, और यहाँ पर आप देखेंगे
तो अकाउंट एक्टिवेट यहाँ पर देखिए मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कुछ सेटअप योर अकाउंट इस तरह से शो कर रहा है। तो आपको वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टेप है, वो स्टेप कंप्लीट करना है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल है, तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल भी आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ फैमिली के बारे में है, यानी कि नॉमिनीज रख सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस है, तो एड्रेस भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यह सारी चीज़ें यहाँ पर शो करेगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप प्लस के आइकन पर आपको क्लिक करना है, और जैसे प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल्स वो आपको फिल करनी पड़ती है। यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप करना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ईमेल आईडी भी मैंने सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैरिटल स्टेटस है, तो मैं यहाँ पर मैरिड हूँ। अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड कर सकते हैं। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाई HSC किया है, तो मैं HSC कर लेता हूँ। आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट कर सकते हैं, और 10 पास है, 12 पास है तो HSC कर सकते हैं। अगर 10 पास है तो SSC कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन टाइप, तो यहाँ पर जो आपका जो धंधा क्या है वो शो करेगा। तो यहाँ पर मैं अभी सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड करूँगा। ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री क्या है ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्टिवेट एलाइड एग्रीकल्चर। बहुत सारी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब है आपके पास, कुछ भी है, मार्केटिंग एडवाइज़र है, कुछ भी करते हैं यहाँ पर, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर लिख के ट्यूटोरियल, होटल, रेस्टोरेंट, रिटेल ट्रेड, यहाँ पर रिटेल ट्रेड करते हो, रिटेल ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रिटेल ट्रेड कर सकता हूँ। रियल स्टार्ट ब्रोकन एजेंट है, आप जो भी है यहाँ से, आप जो भी आपके रिलेटिव कोई भी चीज़ है, मान के चलो आप सबसे पहले शो कराए तो एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर करिए, रिटेल ट्रेड करते हैं तो रिटेल ट्रेड करिए। मैं यहाँ पर रिटेल ट्रेड कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए कुछ नेचर बिजनेस जो कर रहा है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर कर लेता हूँ। और उसके बाद सोर्स ऑफ फंड है, तो उसमें यहाँ पर एग्रीकल्चर करूँगा। यहाँ पर बिजनेस इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकम है, तो एग्रीकल्चर कर लेता हूँ। और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स बिजनेस, तो कितने साल के लिए आप किया है, तो आप यहाँ पर मैं बताऊँगा कि मैं 4 साल से कर रहा हूँ बिजनेस, 4 से कीजिए। एनुअल इनकम आपको कितनी है, तो यहाँ पर आप एनुअल इनकम बता सकते हैं। मान के चलो मुझे मेरी 20,000 है, तो मैं 20,000 करूँगा। यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको सेव करना है, तो यहाँ पर मैंने सेव कर लिया। यहाँ पर मैं कंफर्म कर लेता हूँ। यहाँ पर जो मेरा जो कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। यहाँ पर जो सारी इन्फॉर्मेशन, फैमिली है तो फैमिली का भी आपको करना पड़ेगा, तो मैं फैमिली पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पर मैं जो फादर्स नेम है, ये सारी चीज़ें फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ आपको फिल करना है, सारी चीज़ आप एक बार देख लीजिए। फादर नेम है, फादर लास्ट नेम है, मदर फर्स्ट नेम है, मदर लास्ट नेम है। तो यहाँ पर आपको नॉमिनीज टाइप करना है, फादर मदर जो भी है। ऐड नॉमिनीज पर क्लिक करके आप ऐड नॉमिनीज का भी कुछ ऐड नॉमिनीज का भी कुछ फिलअप करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, या तो आफ्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें, नॉमिनी सारी चीज़ें फिल कर लेता हूँ। आपको भी इस तरह से फिल कर लेना है। तो मैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो फैमिली का जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर मैंने कंप्लीट फिल कर लिया है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नॉमिनीज में ऐड कर लिया है, मदर का नाम भी कंप्लीट टाइप कर लिया है। उसके बाद हमें करना है यहाँ पर सेव। जैसे फ्रेंड्स आप सेव करोगे तो यहाँ पर देखिए जो फैमिली का जो कुछ इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो एड्रेस का भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर देखिए माय परमानेंटली एड्रेस तो कंप्लीट है, परमानेंटली रेसिडेंट, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। रेंटल है, खुद का है, कुछ भी यहाँ पर ओन कर लीजिए, आपका जो रहते हैं वो आपका ही है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ ब्रांच का शो कर रहा है, तो ब्रांच यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक्सेस हो गया है, वाव का है, यहाँ पर नज़दीक का है। उसके बाद देखिए इनिशियली फंडिंग बेसिक योर ब्रांच इज इलेक्शन इनिशियल फंडिंग 3,000, यहाँ पर एवरेज मंथली बैलेंस यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमें करना है सेव। तो यहाँ पर कुछ एड्रेस है वो यहाँ पर देखिए, ये वो एड्रेस है, वो एड्रेस आप अपने हिसाब से एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट एड्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर पिन कोड है, सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो एरिया यहाँ पर शो करेगा, पिन कोड है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। ब्रांच, तो ब्रांच भी यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर मैं बैक कैंसिल कर लेता हूँ। कैंसिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं एड्रेस पे फिर से क्लिक करूँगा, और एड्रेस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर सेव कर लेता हूँ।
सेव करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना है और कंटिन्यू करना है। यहाँ पर देखिए मेरा एड्रेस भी कंप्लीट राइट हो चुका है और यहाँ पर आई एम इन इंडियन सिटीजन, तो यस। उसके बाद हमें करना है रिव्यू एंड प्रोसेस कर लेना है, तो यहाँ पर रिव्यू एंड प्रोसेस करना है। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी, यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी नज़र आएगी, आपने जो फिल किया अभी अभी वो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आएगी। आपको बैक करके फिर से कुछ एडिट करना है तो वगैरह एडिट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर जैसे फ्रेंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो कर रहा है वेरिफिकेशन वाया वीडियो, तो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर शो करेगा। वेरिफिकेशन के लिए आप वीडियो वीडियो के थ्रू आप वीडियो केवाईसी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर राइट कर लेता हूँ और चेक एजेंट यहाँ पर क्लिक करके देख लेता हूँ, तो यहाँ पर गेट अ कॉल बैक यहाँ पर कुछ शो कर रहा है, चेक एजेंट अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पर मैं प्रोसेस कर लेता हूँ। और प्रोसेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे फ्रेंड्स आप एजेंट चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करते हैं तो आपके साथ एजेंट कनेक्ट होगा, आपको कुछ चैट करेगा और चैट करने के बाद दोस्तों आपको रिक्वेस्ट भेजेगा वीडियो केवाईसी की। तो इसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा ब्राउज़र का, कैमरा का परमिशन लेना पड़ेगा, या तो आपके पास कोई और डिवाइस है तो डिवाइस का भी, मान के चलो रिकॉर्डर का डिवाइस है तो उसका भी परमिशन लेना पड़ेगा। ऑलरेडी आपने परमिशन ले लिया है तो उसके बाद आपको करना क्या है, चेक हियर टू स्टार्ट योर वीडियो केवाईसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो थोड़े समय के लिए वेट करना है, तो यहाँ पर आपने जो भी परमिशन लेना है आपको नहीं आता है तो इसके लिए भी वीडियो मिलेगा किस तरह से आपको परमिशन लेना है, वो भी वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया नहीं है और मैंने कुछ कट कर लिया था तो वो नहीं बताया है, तो परमिशन लेने का कुछ वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वेट करना है। देखिए यहाँ पर मैंने मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी थी उस तरह से, तो और मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ पर उसने बताया उस तरह से मैंने किया। उसके बाद दोस्तों उसने बैक कैमरा चालू करने के लिए बोला और वाइट पेज पर मैंने जो पैन कार्ड रखा और मैंने उसको बताया और मेरा कंप्लीट केवाईसी हो गया है। उसने बताया उस तरह से कुछ स्टेप है, यहाँ पर मैंने मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर हुआ नहीं है तो उसने बताया था कि आपको सेट करना है, जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं या तो वो रिक्वेस्ट करेगा कि आपका इतना वो सेट करके पहले से देगा कि 590 रुपीस का। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स उसने बताया वैसे बॉक्स पे क्लिक किया और मैंने पेमेंट मेथड भी ऐड कर दिया और मैंने यहाँ पर पेमेंट मेथड किया था UPI, तो UPI से मैंने यहाँ पर फ़ोनपे UPI से पेमेंट किया है 590 रुपीस का। तो मेरा इस तरह से 590 रुपीस ऐड हो चुका है एक्सिस बैंक के अंदर और मेरा जो एक्सिस बैंक का अकाउंट भी ओपन हो चुका है। तो मुझे कुछ समय के बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे एक्सिस बैंक के अंदर भी फिर से पैसा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मंथली 2500 रुपये मिनिमम अपने अकाउंट के अंदर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है और यहाँ पर डन भी हो चुका है, तो आप इस तरह से खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ओपन करने के बाद एक स्टेप है, आपको डेबिट कार्ड मिलता है, तो डेबिट कार्ड के लिए आपको पहले पिन सेट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो बटन शो कर रहा है रेड बटन सेट पिन का, वहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपको कोई भी पिन एंटर करना है 4 डिजिट का अंक में। उसके बाद दोस्तों आपको कंफर्म करने के बाद डन करना है, आप डन करेंगे तो आपका जो पिन भी सेट हो जाएगा। तो आपको इस तरह से पिन भी सेट करना है और आपका अकाउंट भी इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये सारा अपने वीडियो कंप्लीट देखा है तो आप कंप्लीट आप अपने मोबाइल से अपने जो एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट बिल्कुल फ्री नहीं है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 2500 रुपया मिनिमम अपने बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 590 बोला है क्योंकि उसने बताया कि अभी मेरे पास इतना है, तो कुछ समय के बाद उसमें मुझे यहाँ पर मेंटेन करने के लिए मुझे डेबिट कार्ड लेने के लिए और भी पैसा उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, डिपॉजिट अपने बैंक के अंदर करना पड़ेगा। पैसा कहीं पर जाएगा नहीं, आपके पास ही रहेगा, बट उसको डिपॉजिट करना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 वीडियो मिलेगा, वो भी बैंक के रिलेटेड है, तो उस पर क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। और आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।